आज लोकसभा चुनाव के छठे चरण में हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग आरंभ हो चुकी है। हरी के प्रदेश हरियाणा में मतदाता वोटिंग करने में खासी रुचि दिखा रहे हैं। यही वजह है कि सुबह वोटिंग प्रक्रिया आरंभ होते ही शहर और गांव के विभिन्न मतदान केंद्रों पर वोटरों की भीड़ उमड़ी हुई नजर आई। दूर दराज से युवा मतदाता भी अपने होम टाउन कुरुक्षेत्र में अपनी वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसी कड़ी में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोकतंत्र के महापर्व में अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए आज सुबह अपने परिवारजनों के साथ हरियाणा के कुरुक्षेत्र के मिर्जापुर गांव में राजकीय प्राथमिक पाठशाला के बूथ नंबर 157 पर मतदान किया। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज हरियाणा में मतदान हो रहा है। आचार्य देवव्रत ने कहा कि भारत के संविधान ने सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार दिया है। अतः हम सबका नैतिक कर्तव्य है कि राष्ट्र के निर्माण के लिए, उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए अपने मत का अवश्य प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि जीवन में काम चाहे कितने भी जरूरी हों, लेकिन मतदान के दिन सब काम छोड़कर हमें अपने मत का प्रयोग करते हुए अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस सोच के साथ में गुजरात से विशेष रूप से अपने मत का प्रयोग करने के लिए मैं कुरुक्षेत्र आया हूँ। मतदान के इस महान पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके आइए हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करें। इस दौरान गांव मिर्जापुर में स्थित मतदान केंद्रों पर वोट डालने आए मतदाताओं में भी खासा उत्साह नजर आया। पूरे देश में पिछले कुछ दिन से लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। भारत के संविधान ने भारत के सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार दिया। अतः हम सब का नैतिक कर्तव्य है कि राष्ट्र के निर्माण के लिए, उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने मत का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। काम चाहे कितने भी जीवन में जरूरी हों, लेकिन जिस दिन मत का दिन है उस दिन सब काम छोड़कर हमें अपने मत का प्रयोग करते हुए अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करना चाहिए। इसी सोच के साथ मैं गुजरात से चलकर विशेष रूप से अपने मत का प्रयोग करने के लिए आया हूँ। धन्यवाद। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।